स्वागत है आपका मेरी किचन में, यानी कि सारिका की किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सके और स्वादिष्ट बना सके और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सके। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। पॉपकॉर्न बनाना सिखाने जा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बढ़िया पॉपकॉर्न बने हैं ये। मैंने इसमें बटर बिल्कुल भी नहीं डाला है, नॉर्मल पॉपकॉर्न जो ठेले पे मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही पॉपकॉर्न बनाने की कोशिश करी है और ये बन भी गए हैं बहुत ही आसानी से, 10 मिनट में बन करके तैयार हो गए हैं। इसके लिए किसी भी स्पेशल चीज की जरूरत नहीं है, आप इसे जब चाहे तब बना सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ी कढ़ाई गरम कर ली थी, जो भी आपके साथ सबसे बड़ी कढ़ाई हो आप उसे ही गरम करिए, क्योंकि पॉपकॉर्न उछलते भी है। और इसमें मैंने ये बेकिंग वाला ही नमक डाल दिया है, यहाँ पे मैंने करीब 2 कप नमक डाला है, इसको मैं पहले भी बेकिंग में यूज कर चुकी हूँ इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। तो पहले ये नमक अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर जब ये नमक अच्छे से गर्म हो जाएगा जब हम इसमें पॉपकॉर्न के अपने दाने ऐड करेंगे। ये देखिए फूलना शुरू हो चुका है ना हमारा पॉपकॉर्न। जैसे जैसे ये गर्म होते जाएंगे दाने, वैसे वैसे इसमें पॉपकॉर्न फूलते चले जाएंगे। अब आप बाजार में लेने जाते हैं तो वो लोग पता नहीं कैसा बालू इस्तेमाल करते हैं। एक बार तो मैंने देखा था वहाँ जहाँ मछलियाँ कट रही थी उसके बगल से उन्होंने गंदी जगह से बालू उठा लिया था। तो मैंने तो बाहर से इस तरीके से पॉपकॉर्न लेना बहुत ही एकदम ही बंद कर रखा है। तो अगर आपको ऐसे नमकीन वाले पॉपकॉर्न चाहिए तो ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। और बटर पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और ये नमक भी बेकिंग वाला नमक है तो इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़ा लगातार जलाते रहिएगा, सब फूटने शुरू हो चुके। तो ये इससे देखिए बाहर ना निकले, तो इस तरीके से ही हमारे पास एक छन्नी है, ये जो चावल छानने की छन्नी आती है नॉर्मल, वही छन्नी मैंने यूज करी है और यहाँ पे इसको ढक दिया है ताकि इसमें जो भी निकले वो देखिए छन रहे हैं बट इसी के अंदर हमारे कितने सारे पॉपकॉर्न कितनी जल्दी फटाफट बन करके तैयार हो गए हैं। वाओ, मेरी छलनी थोड़ी सी छोटी है, आपके पास बड़ी हो तो आप इसे बड़ी छलनी से ढक दीजिए तो एक भी आपका बाहर नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके की छलनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये छलनी मेरी थोड़ी सी बड़ी है तो आप एकदम नाप के आपके जो भी मिले आप उसे इस्तेमाल करिए और बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहिए तो आपके सारे पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब इन्हें छानना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पूरी छानने वाली हमारी छन्नी है, अब इनको इस तरीके से
जाली हटा देंगे और ऐसे फटाफट इस तरीके से छान लेंगे, तो सारा नमक हमारा नीचे गिर जाएगा, खाली पॉपकॉर्न हमारे ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। और इसे हम प्लेट पे लगा रहे हैं। डाले थे पॉपकॉर्न के दाने, इसलिए भी ऐसा हुआ है मेरे साथ के कुछ नहीं हुए हैं, तो आप इनको एक ही टाइम पे डालिएगा, सबको अलग अलग टाइम पे मत डालिएगा, फिर जब एक बार के हो जाए तभी आप दोबारा इसमें डालिएगा। ये लीजिए आपके स्वादिष्ट पॉपकॉर्न घर में बन करके बिल्कुल तैयार है। इसमें बटर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मल रहने दिया है मैंने, जैसे बाहर ठेले पे मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही बने हैं। तो ये बिल्कुल लेकिन हाइजीनिक है, आपने इसको अपने शुद्ध नमक में बनाया है, कहीं भी सड़क किनारे की बालू या मिट्टी में नहीं बने हैं ये। तो जब चाहे तब बनाइए, खाइए, बच्चों को दीजिए और मजे लीजिए। धन्यवाद। आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए ज़रूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो